स्वागत है आप सभी का। मैं महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम कोर डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी फाइलम जो कोर डेटा है, संघ कोर डेटा है, उनके वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। हम इससे पहले कुछ वीडियो में ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कोर डेटा को प्राइमरी करेक्टर कौन कौन से पाए जाते हैं और वो करेक्टर्स जो पाए जाते हैं कौन सी स्थिति में पाए जाएंगे, एडल्ट में किस तरह करेक्टर पाए जाएंगे, और इनके साथ ही साथ हम जनरल करेक्टर, सामान्य जो लक्षण हैं, उनके बारे में भी बातचीत कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे मेनली इसके क्लासिफिकेशन पे फोकस रखेंगे, यानी जो फाइलम कोर डेटा है उसके वर्गीकरण की। आप सबको ये विधि दी है जो कोर डेटा है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, कोर्ड प्लस एटा, मीन्स जो नोटोकोड रखने वाले एनिमल्स को कोडेटा कहा गया है। जो कोडेटा है उसको कुछ लक्षणों के आधार पर हमने जब क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण जो होता है, उसमें हम कुछ लक्षणों के आधार पर एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं ताकि वो सरल हो जाए। इसलिए इन एनिमल्स को भी हम और आगे डिवाइड किया हुआ है। हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरी कुछ पढ़ी हुई है, 7 जो मोस्ट फेमिलियर है, जो आप जानते भी हैं। इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज होती हैं, लगभग 30 के आसपास, और 30 से भी ज़्यादा कैटेगरीज पाई जाती हैं। इसके आधार पर हम इसको और क्लासिफाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोर डेटा का हम जो क्लासिफिकेशन जो हम ध्यान रखेंगे, उसमें बिना टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी है उसके आधार पर भी ये किया हुआ है। तो जो कोडेटा है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, पहला जो ग्रुप है वो है एक्रेनिया, एक्रेनिया, दूसरा इसका नाम है प्रोटोकोडेटा, इसी को एक और नाम दिया गया है प्रोटोकोर डेटा। नाम से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक है ये और जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है वो है क्रेनियम। इसी को एक और नाम दिया गया है यूकोर डेटा। और यहां पर क्रेनिया, इनके शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। ए क्रेनिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ए एंड क्रेनिया। ए मींस यहां पर एसेंस से है, यानी अनुपस्थित से, और क्रेनिया मींस स्कल, और बेटर हम कहें हेड, यानी ए क्रेनिया एब्सेंट हेड, हेड एब्सेंट रहेगा, यानी इस ग्रुप में वो एनिमल शामिल हैं जिसमें जो क्रेनियम है, हेड है, वो एब्सेंट रहेगा, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है क्रेनियम के आधार पर, इसको एक्रेनिया नाम दिया गया है। दूसरा जो इसी को जो नाम दिया गया है प्रोटोकोडेटा, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कोडेटा का मतलब कोडेटा, यानी ऐसे कोडेट जिनमें प्रिमिटिव करेक्टर्स पाए जाते हैं उनको प्रोटोकोडेट्स कहते हैं, या यूं कहें कि जो प्रिमिटिव करेक्टर वाले कोडेट्स हैं उनको एक्रेनिया में शामिल किया गया। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं, तो हम इनको ध्यान में रखेंगे। एक्रेनिया का मतलब जिसमें क्रेनियम एब्सेंट रहेगा, प्रोटोकोडेट्स यानी प्रिमिटिव टाइप के कोडेट्स हैं, इसके सेम नाम है। अब हम बात करते हैं ग्रुप दूसरे की जिसमें क्रेनिया है, यानी इसमें क्रेनियम जो स्कल है वो, या हम कहें हेड। देखो हमारे फेस और हेड में फर्क है, आप ध्यान रखेंगे। जो आपका जो सामने से जो दिखाई देता है, फ्रंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फेस है, जबकि इसके बाद में आपने टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इसके बाद में ये क्रेनियम की कुछ बोन्स पाई जाती है, ये जो भाग है ये क्रेनियम का भाग है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यानी इस जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें इसको नाम दिया गया एक्रेनिया और यूकोडेटा, यानी इस एक्रेनिया को, यानी इनमें जो पाया जाएगा वो क्रेनियम प्रेजेंट होगा, इसलिए ये क्रेनियम नाम दिया गया है।
इसी को एक और वर्ड दिया गया यू कोर डेटा। यू का मतलब जो होता है मन इसका ट्रू से है और कोर डेटा मीन्स कोर डेटा यानी जो इसमें जो शामिल किए गए हैं ट्रू कोर डेट शामिल किए गए क्रेनिया में ट्रू कोर डेट शामिल किए गए। ये था फाइलम कोर डेटा के ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद। अब हमने आगे इसको क्लासिफाई किया है एक क्रेनिया को और आगे वर्गीकरण किया हुआ है। एक क्रेनिया को हमने डिवाइड किया सब फाइलम में और सब फाइलम तीन सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो सब फाइलम है वो है हेमिकोर्डेट। सब फाइलम में डिवाइड किया गया है पहला है हेमिकोर्डेट। दूसरा जो सब फाइलम है वो है यूरोकोर्डेट और जो थर्ड सब फाइलम है उसको कहते हैं सिफेलोकोर्डेट। ये तीन सब फाइलम है। अब इन तीन सब फाइलम का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। देखो जो हेमी है इसको नाम दिया गया हेमी कोर्डेटा यानी ये हेमी प्लस कोर्डेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। हेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा, कोर्डेट मीन्स कोर्डेट जिनमें आधे कोर्डेट करेक्टर पाए जाते हैं इसलिए ये नाम दिया गया है हाफ हेमी कोर्डेटा यानी इसमें जो हाफ एक रिंग पाई जा रही थी उसको इसलिए इसको हाफ हेमिकोर्डेटा नाम दिया गया है। लेकिन वास्तविक इसमें जो वैज्ञानिकों ने जब पहले इसमें जो नोटोकोर्ड के बारे में बताया गया था वो वास्तव में नोटोकोर्ड नहीं थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था और जिसको नोटोकोर्ड बताया गया था उसका नाम था स्टोमोकोर्ड। स्टोमोकोर्ड थी वो स्ट्रक्चर। अब जो स्टोमोकोर्ड स्ट्रक्चर थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होने के कारण बाद में इनको पता चला कि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है फिर इसको इन्होंने कोर्डेट्स में से हटाकर इनवर्टिब्रेट्स में एक सेपरेट फाइलम बनाया गया है। तो वर्तमान में जो हेमिकोर्डेटा सब फाइलम है इसको अलग से फाइलम बनाया गया है और अलग से ही इसको पढ़ते हैं कोर्डेट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोर्डेटा को एक्रेनिया को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया है तो आप सिर्फ दो ही सब फाइलम बताएंगे, एक बताएंगे यूरोकोर्डेटा और दूसरा जो सब फाइलम है वो है सिफेलोकोर्डेटा। दूसरा जो सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल यानी पूंछ से संबंधित और कोर्डेटा का मतलब कोर्डेट यानी कोर्डेट लक्षण अगर टेल में पाए जाते हैं पूंछ में पाए जाते हैं तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है यूरोकोर्डेटा यानी यूरोकोर्डेटा में जो एनिमल्स हैं उनमें कोर्डेट करेक्टर पाए जाएंगे वो पूंछ में पाए जाएंगे। बाद में देखेंगे इनको विस्तार से। थर्ड जो है वो है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा सिफेलो का मतलब भी हेड होता है, सिर से आशय है जिसमें हम लोग पूरा पार्ट कवर करते हैं यानी जिसमें कोर्डेट करेक्टर सिर में पाए जाते हैं यानी हेड। यहां पर ये मीनिंग नहीं है कि यहां पर कम स्कल से मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ आगे फोर ब्रेंच जो आगे वाला भाग है उससे मीनिंग रखा हुआ है यहां पर, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसी को आगे और क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें लेते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आप ध्यान देखें यहाँ क्लास है, ये जो है वो सब फाइलम है, यहाँ पर ग्रुप है और यहाँ पर फाइलम में डिवाइड किया है। अब हमने क्या है सब फाइलम हेमिकोर्डेटा को क्लास में डिवाइड किया है। पहली जो क्लास है वो एंटेरोपनिस्टा है, और दूसरी जो सब क्लास है वो है टेरोब्रेंकिया। ये इसकी दो सब क्लास है जिसमें अलग अलग एनिमल्स रखे हुए हैं। जैसे आप मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल इसमें जानते हैं बेलेनोग्लोसस इसमें एक एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे यूरोकोर्डेटा के बारे में,
यूरो कोडेटा को भी आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसकी तीन क्लासेस है, पहला है, दूसरा और तीसरा। पहली जो क्लास है एसिडी एशिया, दूसरी है थैलासिया और थर्ड है लार्वेशिया। ये इसकी तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, ये यूरोकोर्डेटा को डिवाइड किया है। अब लास्ट वन जो हमारे पास सिफेलोकोर्डेटा है, इसकी सिर्फ एक ही क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, एक ही क्लास है इसकी, लेप्टोकार्डिया। जिसमें ब्रेंकियोस्टोमा रखा हुआ है, ब्रेंकियोस्टोमा जिसको लैंसलेट भी कहते हैं, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। अब है हमारे पास दूसरा ग्रुप, पहले ग्रुप की हम बात कर चुके हैं, ग्रुप फर्स्ट में एक्रेनिया की बात कर चुके हैं। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास क्रेनिया, क्रेनिया में क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ग्रुप दूसरे के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला ग्रुप था हमारे पास एक्रेनिया और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास क्रेनिया। इसको भी आगे एक सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया हुआ है। यानी जब हम नोटोकोड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो नोटोकोड है उस एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ये वही एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकोड वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें जितने भी एनिमल्स इनमें पाए जाएंगे उनमें वर्टिब्री पाई जाती है। जो कशेरुकाएं पाई जा रही है छोटी छोटी, वो इनमें पाई जाती है। इसके बाद में जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसको आगे और क्लासिफाई किया हुआ, इसको दो डिवीजन में क्लासिफाई किया हुआ है। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं प्रभाग, इनको दो प्रभाग में डिवाइड किया है। एक है एग्नेथा और दूसरा जो हमारे पास वर्ड है नेथोस्टोमेटा। ये इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, एक है एग्नाथा और दूसरा हमारे पास है नेथोस्टोमेटा। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं एग्नेथा को। एग्नेथा को जो डिवाइड किया हुआ है, आगे और डिवाइड किया हुआ है, हमने इसको डिवाइड किया एग्नेथा, एग्नेथा को और आगे डिवाइड किया हुआ है। एग्नेथा का मतलब क्या होता है पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें भी ए लगा हुआ है, एग्नेथा, यानी ग्नाथा का मतलब होता है जो, और ए का मतलब एब्सेंट। यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं या इन एनिमल्स में जो एब्सेंट होगा, जो जबड़ा होता है वो एब्सेंट होता है, जो एब्सेंट होने के कारण इसको एग्नेथा में शामिल किया हुआ है। डिवीजन एग्नेथा को और आगे क्लासिफाई किया हुआ है, दो क्लासेज इसकी बनाई गई है। आगे इसकी जो दो क्लासेज हैं उसमें पहली जो क्लास है वो है ऑस्ट्रेगोडर्माइन और दूसरी जो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक्चुअली जो ऑस्ट्रेगोडर्माइन है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और जो साइक्लोस्टोमेटा है इसको ये नाम दिया गया है साइक्लोस्टोम। साइक्लो का मतलब होता है सर्कल, इनका माउथ क्या है गोलाकार होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। ये फिश लाइक एनिमल्स हैं, आपने पेट्रोमाइजोन का नाम सुना होगा, इसलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया, क्योंकि इनका सख्तो राउंड माउथ होने के कारण इसको ये नाम दिया गया। दूसरा जो डिविजन है हमारे पास नेथोस्टोमेटा,
मैं तो इस टोमेटा को और आगे क्लासिफाई करते हैं तो दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, इसको सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले इसका क्लासिफ इसका मीनिंग का मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं, नेथोस्टोमेटा का वर्ड का मतलब जानने का प्रयास करते हैं। नेथो मींस, यहां पर हमने उसमें पढ़ा था कि यहां पर एक नेता है, यानी डिवीजन एग नेता में जो एक्सेंट रहते हैं, लेकिन नेथोस्टोमेटा, नेथो का मतलब होता है जो, और स्टोमो का मतलब होता है माउथ से आसे, यानी इनके माउथ में जो पाए जाते हैं, मुंह में जबड़े पाए जाने के कारण इसको नेथोस्टोमेटा नाम दिया गया है। नेथोस्टोमेटा को सुपर क्लास दो में डिवाइड किया है, एक सुपर क्लास है फाइसे और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। नाम से पता चल रहा है पाइसेज में जितनी भी मछलियां हैं, फिश हैं, वो रखे हुए हैं, और जो टेट्रापोडा है, टेट्रो मतलब चार और पोडा मींस पैर, फुट से लिया गया है, चार पैर होने के कारण इसको, इन सब में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें चार पैर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टेट्रापोडा नाम दिया गया है। अब हम इसी को और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पाइसेज लेते हैं। पाइसेज को, जो सुपर क्लास पाइसेज है, उसको तीन क्लासेज में डिवाइड किया, तीन क्लासेज में सुपर क्लास पाइसेज को तीन क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियां थी, यानी वे वर्तमान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कोई भी सदस्य इनका जीवित नहीं है। दूसरा ये एक्चुअली क्लास है, आप ध्यान रखेंगे, सुपर क्लास के बाद में ये प्लेकोडर्मा ये क्लास है, उसके बाद में दूसरी जो क्लास है इसमें कॉन्ड्रिक्टीज है। कॉन्ड्रिक्टीज और थर्ड है ऑस्टिक्टीज। ऑस्टिक्टीज ये इनको, इनमें पाए जाने वाले एंडोस्केलेटन के आधार पर दिया गया है। कॉन्ड्रिक्टीज में वो मछलियां शामिल की हुई है जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ऑस्टिक्टीज में वो मछलियां शामिल की गई हैं जिनमें बोन्स का एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इसलिए इसको ऑस्टिक्टीज नाम दिया गया है। दूसरी जो हमारे पास सुपर क्लास ये पाइसेस की बात है, दूसरी जो हमारे पास सब क्लास थी पाइसेस के बाद में, वो था हमारे पास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, दूसरी है ये पहले नंबर की है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा नाम से ही फैमिलियर पता चल रहा है, चार पैर वाले। इसको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है एम्फीबिया, दूसरी क्लास है रेप्टिलिया, और थर्ड क्लास है एवी, एंड लास्ट वन है मेमेलिया। यानी टेट्रापोडा जैसे कि चार उसमें पैर पाए जा रहे हैं, ऐसे ही इसको चार क्लासेस में डिवाइड किया है, आप याद रख लेंगे। एम्फीबिया में मतलब ये निकलता है, एम्फीबिया मींस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दो टाइप का, ड्यूअल टाइप का, बिया मींस हैबिटेट, यानी दो तरह का हैबिटेट में पाए जाने का इनको एम्फीबिया नाम दिया गया है। दो तरह का जो हैबिटेट है उसमें एक्वेटिक हो गया और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। दूसरा जो है एम्फीबिया में जो पाए जाते हैं फ्रॉग, टॉड, ये आपने नाम सुना होगा, सेलामेंडर्स, ये इसमें रखे हुए। दूसरा जो क्लास है रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया को क्रीपर, क्रीपिंग एनिमल्स भी कहते हैं, यानी रेंकर जो चलते हैं वो इसमें शामिल है, जैसे कि सांप है, आपने पता होगा, क्रोकोडाइल है, इसके अलावा आपको जो लिजर्ड दिखती है, छिपकलियां जितनी भी पाई जाती है वो इसमें शामिल की हुई है। इसके अलावा एवीज, क्लास एवीज है थर्ड, एवीज में जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी चिड़िया हैं वो इसमें शामिल की हुई है, आसपास भी आपने बहुत सारी चिड़ियां देखी होगी। और लास्ट वन क्लास है मेमेलिया, मेमेलिया वर्ड में क्योंकि इनमें मेमे पाए जाते हैं, मींस मेमोरी ग्लैंड पाए जाने के कारण इसको मेमल्स में रखा हुआ है,
ये था इसका क्लासिफिकेशन। फिर से एक बात आपको दोहरा देता हूं, सबसे पहले हम फाइलम जो कोर्डेटा है उसको हमने डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा, और एक्रेनिया को हमने तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जिसमें हेमिकोर्डेटा को वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो दो ही सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और यूरोकोर्डेटा को तीन क्लासेस एसिडियसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया, तीन क्लासेस उसकी है, और लास्ट जो उसमें थी सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेट उसमें सिर्फ एक ही क्लासेस है लेप्टोकार्डी, और उसका एग्जाम्पल था ब्रेंकियोस्टोमा। दूसरी जो हमारे पास ग्रुप था क्रेनिया, क्रेनिया क्रेनिया में एक क्लास एक ही सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को फिर डिवीजन किया एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा को फिर क्लासिफाई किया, नेथोस्टोमेटा को फिर आगे डिवाइड किया, नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है, पाइसेज एंड टेट्रापोडा। पाइसेज में जितने भी मछलियां हैं उनमें शामिल की हुई है, प्लेकोडर्माई कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज इसमें मछलियां शामिल की हुई है। ऐसे ही सुपर क्लास दूसरा जो हमारे पास टेट्रापोडा है उसको हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें एक दो ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो जो हमने फाइलम कोर्डेटा के बाद में हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड किया गया था, क्यों? क्योंकि जिनमें वर्टिब्री पाई जा रही है उसी को हमने ये नाम दिया गया था। तो हम एक स्टेटमेंट कहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं या जिनको वर्टिब्रेट्स कशेरुकी एनिमल्स हैं वो सभी कोर्डेट्स एनिमल्स हैं, जबकि सभी कोर्डेट्स एनिमल वर्टिब्रेट्स नहीं होते। इसका मतलब ये होता है क्योंकि कोर्डेट में तो क्या है सभी चीज शामिल कर लिया हमने, वर्टिब्रेट्स में वही एनिमल शामिल है जिनमें वर्टिब्री पाई गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मछलियों की, जो आपको अगर ट्रू कोर्डेट्स की बात करें कि ट्रू कोर्डेट्स सबसे पहले कौन से थे, तो वो थे ऑस्ट्रेगोडर्माई, ऑस्ट्रेगोडर्माई जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको वर्तमान में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो वास्तविक वर्तमान में जो जीवित वास्तविक कोर्डेट्स कौन से हैं, तो वो ऑस्ट्रेगोडर्माई में शामिल किए हुए हैं जिसमें से पेट्रोमाइजोन भी शामिल है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू टू ऑल।